हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये बॉक्स बनाना सीखेंगे। ये देख रहे हैं ये कौन सा बॉक्स है, अभी मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये है ज्वेलरी बॉक्स, देखा आपने। चलिए फिर आज हम लोग इसको बनाएंगे। इसमें ढक्कन भी है और ऊपर से ये हैंडल भी है। आज मैं ज्वेलरी बॉक्स जो बनाकर बताऊंगी उसके लिए मैंने ये पीला रंग, हरा रंग, कैंची और क्रोशिया लिया है। चलिए फिर इसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे, ये देखिए। और इस लूप में 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, ऐसे ऐसे 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 10 बन गया सिंगल क्रोशिया। और इस धागे को से खींच देंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देंगे। अब फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में फिर बनाएंगे, इसके बाद अब हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें अब इसका घेरा बढ़ाना है, इसके लिए बीच बीच में एक चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे का पेज जो है बॉक्स का, इस सिंगल क्रोशिया से ही पूरा बनेगा। ये देखिए लाइन कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे हम अटैच कर देंगे और बनाते चलेंगे। ऐसे बनाते बनाते हमें जितना बड़ा ज्वेलरी बॉक्स का नीचे का घेरा रखना है उतना बड़ा बना लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा ये टाइट ना होने पड़े, गोल ना होने पाए, ये बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए। और बीच बीच में जब एक में हम एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे तो ये गोल नहीं होगा। चलिए कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने बना लिया, बिल्कुल फ्लैट है देखिए। और अब हमने 9 लाइन बनाए हैं ये वाले। आप बड़ा बनाना चाहें तो और बना लें, छोटा बनाना चाहें तो कम बनाएं। अब हमें क्या करना है, अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम इस ऊन को ऐसे लेंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारी चेन है इसका जो ये पीछे वाला हिस्सा है इसमें सिर्फ डालेंगे और तीनों को एक साथ बना लेंगे। ये देखिए ऐसे लिया ऊन और चेन का जो पिछला हिस्सा है, ये देखिए ध्यान दीजिए कि जो ये चेन है इसका पीछे वाले में हमें बनाना है। ये लिया हमने और ये पीछे वाला सिर्फ लेकर और इसमें ऐसे बनाना हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे पूरी लाइन करनी। ये देखिए एक लाइन बन गई, इधर से देखिए अंदर से ऐसे आएगा। अब हम ऐसे ऐसे उतनी लाइनें बना लेंगे जितना गहरा हमको ये चाहिए बॉक्स। इसमें देखिए इतना गहरा है, आप जितना चाहिए उतना गहरा बना लीजिए। ये सब जो है हाफ डबल क्रोशिया से ही बनेगा, यानी ऐसे लेके और इसमें सारी लाइनें ऐसे बनेंगी। थोड़ा बना के फिर आपसे मिलती है। ये देखिए 1 2 3 लाइन हरे से बनाने के बाद हमने पीला रंग लगा दिया है। ये देखिए पूरा कटोरी का शेप आ गया बॉक्स का। पीला रंग जो लगाया है इसको भी हमने
हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाना है। इसको बनाते हुए पूरी लंबाई कंप्लीट करते हैं। इसकी पूरी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसकी पूरी लंबाई बना ली है। ये देखिए पीछे से ये बना था, इसके बाद ये इतना लंबा बना, इतना ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर का ढक्कन बनाना है, ये वाला पार्ट। इसके लिए अब हम वैसे ही बना लेंगे जैसे ये नीचे का हमने स्टार्टिंग में बनाया था, पूरा ऐसे ही सेम इसके नाप का। इससे एक धारी बड़ा ही रखेंगे। ये देखिए हमने बना लिया है ये इसके बराबर का। अब वैसे ही बनाएंगे जैसे ये हमने यहाँ पे ये बनाया था, ये वाली लाइन बनाई थी हाफ डबल क्रोशिया वाली, वैसे ही अब इसमें भी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने हरा रंग लगा लिया है और हमें ये देखिए जैसे उसमें बनाए थे पीछे वाला जो है इस चेन के पिछले हिस्से से हमें बनाना है। हाँ डबल क्रोश, ये देखिए एक लाइन बना ली हमने हरी, एक लाइन और बनाएंगे। ये देखिए ढक्कन बन गया। अब इसको हम लोग टाक देंगे यहाँ पे, इसको सुई धागा से यहाँ पे टाक दें। ये देखिए ये भी हमने टाक दिया सुई से ये। अब ये देखिए आपको कैसा लगा ये हमारा ज्वेलरी बॉक्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पसंद आया कि नहीं आया। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी करिए। देखिए मैंने इसमें ज्वेलरी रख दी, इसको रखिए अपने ड्रेसिंग टेबल पे और ऐसे खोल के पहन लीजिए जब पहनना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।